गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कक्षा 12 में प्लांट टिश्यू कल्चर में हम पढ़ रहे थे जीन ट्रांसफ़र। और जीन ट्रांसफ़र में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दो प्रकार से जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जीन ट्रांसफ़र में दो प्रकार की विधियां कौन सी हैं, जिसमें पहली आती है एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, जो कि एक जाति है जीवाणु की, उसके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है, जिसे TI प्लाज्मिड कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। तो उस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड से कुछ जीनों को हटाकर और उसमें फिर जो समाकलित करने वाले जीन हैं, जो DNA के वो भाग, वांछित DNA के वो भाग जो कि हमें किसी परपोषी कोशिका में ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो उस जीन को फिर जोड़ा जाता है उसके भाग के साथ और उसके बाद उसे आगे ट्रांसफ़र करवाया जाता है। क्योंकि देखिए, जो TI प्लाज्मिड है वो उत्तरदायी होता है किसके लिए, नोड्यूल निर्माण के लिए पादपों में, तो संक्रमण करने के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो पादपों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के संक्रमण की जो प्रक्रिया है, जिसमें TI प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम के गुणसूत्र पर स्थित जीन्स जो होते हैं वो उस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में TI प्लाज्मिड के दो घटक भी मैंने आपको बताए थे, जिसमें पहला आता है DNA और दूसरा जो इसका घटक है वो कहलाता है वायरुलेंस रीजन। ठीक है, इस तरह से इसके दो घटक होते हैं TI प्लाज्मिड के। तो जो TDNA है वो पोषक पौधे की कोशिकाओं में टी प्लाज्मिड का TDNA भाग पृथक होता है और पौधे के DNA के साथ ये जुड़ जाता है। और उसी तरह से वायरुलेंस रीजन में TDNA का ट्रांसफर और होस्ट कोशिका DNA के साथ समाकलन हेतु आवश्यक जीन पाए जाते हैं। तो आगे देखिए, पादपों में जब एग्रोबैक्टीरियम का संक्रमण होता है तो उससे या तो पादपों में एग्रोबैक्टीरियम के संक्रमण से या तो कौन सा क्राउन गाल या फिर जो दूसरा आता है इसके अंदर हेरी रूट, रोमिल मून या हेरी रूट इन दोनों का निर्माण होता है या विकास होता है, का निर्माण होता है किसके संक्रमण से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के संक्रमण से। या तो क्राउन गाल डिजीज है जिसे हम कहते हैं क्राउन गाल डिजीज, तो क्राउन गाल का निर्माण होता है या हेरी रूट का निर्माण होता है। और दोनों ही प्रक्रियाएं एग्रोबैक्टीरियम की प्रजातियों पर निर्भर करती हैं। ये दोनों का निर्माण एग्रोबैक्टीरियम की प्रजाति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, एग्रोबैक्टीरियम की प्रजाति पर निर्भर करता है। ठीक है, और देखिए, अब जो एग्रोबैक्टीरियम है उसके संक्रमण के कारण परपोषी कोशिका रूपांतरित हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम के संक्रमण से होस्ट सेल रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, रूपांतरित हो जाती है। भाई सीधी सी बात यह है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में होता है TI प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये TI प्लाज्मिड दूसरी कोशिका जिसे होस्ट कोशिका कहते हैं इसमें ट्रांसफर होता है। तो ये पादप कोशिका है, यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद ये क्राउन गाल डिजीज उत्पन्न करता है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, इसी तरह से ये जो है दूसरी जो डिजीज है जिसका नाम है हेरी रूट, उसको उत्पन्न करता है। ये तो है नॉर्मल प्रोसेस। अब अगर हमें जीन का ट्रांसफ़र करवाना है तो एग्रोबैक्टीरियम का जो ये TI प्लाज्मिड है, इस TI प्लाज्मिड से उस जीन को हटाया जाता है जो कि इस रोग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, सीधी सी बात यही है
कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है इसके अंदर एक प्लाज्मिड है जिसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। तो इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर ऐसे जीन या डीएनए सूत्र होता है जो कि यहाँ पर इन कोशिकाओं में जो होस्ट कोशिकाएं हैं पादपों की इनके अंदर क्राउन गाल या हेरी रूट डिजीज उत्पन्न करता है। अब एग्रोबैक्टीरियम के माध्यम से हमें जीन ट्रांसफ़र करवाना है तो इसके टीआई प्लाज्मिड से उन जीनों को हटाया जाता है जो कि क्राउन गाल डिजीज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और फिर इस टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए वाले भाग से उन जीनों को हटाते हैं जिनसे क्राउन गाल डिजीज उत्पन्न होता है, ठीक है। हटाने के बाद फिर इस टीडीएनए का जो बचा हुआ भाग है उस बचे हुए भाग के साथ वांछित डीएनए, जिस डीएनए को हमें होस्ट कोशिका में प्रवेश करवाना है, ठीक है, किस्म के सुधार के लिए या गुणसूत्रों में सुधार के लिए, तो यहाँ पर ये वांछित डीएनए इस टीडीएनए के साथ समाकलित होता है। अब समाकलित होने के बाद यहाँ पर फिर ये होस्ट कोशिका में इसको ट्रांसफ़र करवाया जाता है जिससे आगे फिर नए क्लोन बनते हैं या नए जो गुणसूत्र हैं वो रेप्लिकेट होते हैं, रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। सीधी सी बात यही है कि एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड से उन जीनों को हटाकर जो कि रोग उत्पन्न करने वाले हैं वहाँ पर वांछित डीएनए को जोड़कर फिर उसे होस्ट कोशिका में ट्रांसफ़र करवाते हैं, जिससे इसी प्रकार की विधि को हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। तो जीवाणु के प्लाज्मिड पर स्थित जीनों द्वारा उत्पादित एमिनो एसिड के आधार पर जीन ट्रांसफॉर्मेशन का पता लगाया जाता है, ठीक है। जीन ट्रांसफॉर्मेशन का पता कैसे लगाते हैं, जीन रूपांतरण का पता कैसे लगाते हैं, तो देखिए किस प्रकार से लगाते हैं कि क्या होता है कि एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो है उसमें उसके प्लाज्मिड पर के टीआई प्लाज्मिड पर या प्लाज्मिड लिखेंगे प्लाज्मिड पर उपस्थित गुणसूत्र, ठीक है, प्लाज्मिड पर उपस्थित गुणसूत्र या गुणसूत्र ना लिख करके उपस्थित जीनों ऐसे लिख सकते हैं हम कि जीनों द्वारा उत्पादित एमिनो एसिड के आधार पर किसका पता लगाया जा सकता है जीन ट्रांसफॉर्मेशन का पता लगाया जा सकता है, ठीक है, कि जीन ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है, किसके आधार पर, जो प्लाज्मिड में एमिनो एसिड बनते हैं इन जीनों द्वारा, तो उन एमिनो एसिड की उपस्थिति के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि जीन का ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर होस्ट कोशिका रूपांतरित हुई है या फिर नहीं हुई है। तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कोशिकाओं में जो कि रूपांतरित सेल्स में यानी होस्ट कोशिका की जो जीन ट्रांसफर के बाद रूपांतरित हो चुकी सेल है उसमें ओपीन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, ओपीन्स का निर्माण होता है, ठीक है, इसका निर्माण होगा ओपीन्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए जो ये एग्रोबैक्टीरियम के विभेदों पर निर्भर करने वाले होते हैं, ये ओपीन्स जो हैं ये ओपीन्स एग्रोबैक्टीरियम के विभेदों पर निर्भर करते हैं, ठीक है, निर्भर करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है, के विभेदों द्वारा, यानी अगर हमने इस जीवाणु जाति का प्रयोग किया है जीन ट्रांसफर के लिए,
तो इसके जो विभेद हैं उनके द्वारा जो एमिनो एसिड बनाए जाएंगे उनके नाम क्या है, ओक्टापाइन और नोपालाइन। ओक्टापाइन एंड नोपालाइन, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, एमिनो एसिड हैं जो कि एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस के द्वारा जब हम अगर जीन ट्रांसफ़र करवाएंगे परपोषी कोशिका में और फिर वो रूपांतरित हो जाती है, तो उस रूपांतरित कोशिका में अगर ओक्टापाइन और नोपालाइन एमिनो एसिड की मौजूदगी है तो वो इस बात का संकेत करती है कि जो जीन ट्रांसफ़र हुआ है वो कौन से विभेद द्वारा हुआ है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस द्वारा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जो राइजोजीन्स हैं, राइजोजीन्स इसके विभेदों द्वारा, इसके जो विभेद हैं इसके द्वारा कौन से बनाए जाएंगे, इसके द्वारा बनते हैं एग्रोपाइन और मैनोपाइन, एग्रोपाइन एंड मैनोपाइन। अगर इनकी उपस्थिति है होस्ट कोशिका में, जो रूपांतरित कोशिका है उसके अंदर अगर इनकी उपस्थिति है तो ये समझ जाना है कि जो जीन ट्रांसफ़र हुआ है वो कौन सी जाति से हुआ है, यानी मीडिएटर की भूमिका में कौन है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स है। तो इस तरह से ये दो जातियों या दो प्रभेदों पर निर्भर करता है। दोबारा से देखिए कि एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के प्लाज्मिड पर उपस्थित जीनों द्वारा उत्पादित, देखिए क्या होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमें किसी होस्ट कोशिका में वांछित डीएनए को ट्रांसफ़र करवाना है, उसके लिए हम ये सारा मैटर पढ़ रहे हैं, और हमने लिया है एक मीडिएटर जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु, ठीक है, क्लियर। अब एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को क्यों लेते हैं काम में, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम में क्या होता है, एक प्लाज्मिड होता है, क्लियर। तो प्लाज्मिड की सहायता से ही हमें जीन ट्रांसफर करवाना है तो हम एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड की हेल्प लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड जो डाइकोट प्लांट है उनके अंदर क्राउन गाल और जो दूसरी जो डिजीज है जिसे हम हेरी रूट डिजीज कहते हैं उनको, उसको उत्पन्न करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड तो वही काम में लेंगे, लेकिन उस प्लाज्मिड से ऐसे जीनों को हटा दिया जाता है जो कि क्राउन गाल डिजीज और रूट हेरी डिजीज या हेरी रूट डिजीज उत्पन्न करते हैं। फिर उन जीनों को हटाकर उस प्लाज्मिड में वांछित जो डीएनए हमें परपोषी कोशिका में लेकर के जाना है, उस वांछित डीएनए या जीन को हम उस प्लाज्मिड में समाकलित करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उसे होस्ट कोशिका में प्रवेश करवाते हैं, क्लियर। अब अगर हमने एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस के प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में काम में लिया है जीन ट्रांसफर के लिए, तो फिर जो भी विभेद हमने ये एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस को लिया है तो फिर जो होस्ट कोशिका है, रूपांतरित होस्ट कोशिका, उसके अंदर ओक्टापाइन और नोपालाइन इन दोनों का निर्माण होता है, किसके द्वारा, उस प्लाज्मिड के द्वारा जो कि प्लाज्मिड वहां पर गया है, क्लियर। तो अगर ऐसा होता है तो फिर इसका मतलब यही है कि जाति कौन सी, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस के प्लाज्मिड द्वारा इस तरह से वो कोशिका रूपांतरित हुई है, तो ये कैलकुलेशन निकल गया। इसके बाद अगर हमने एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स विभेद या उस जाति को काम में लिया है तो होस्ट कोशिका में एग्रोपाइन और मैनोपाइन जो है इन दोनों का निर्माण होता है। अब इनकी उपस्थिति हमें क्या बताती है, इनकी उपस्थिति हमें बताती है कि जीन ट्रांसफर के लिए जो प्लाज्मिड हमने काम में लिया है वो कौन सी जाति का है, राइजोजीन जाति का है, ठीक है। और उन प्लाज्मिड को काम में लेने से पहले उन जीनों को उनमें से हटा दिया जाता है जो कि क्राउन गाल और हेरी रूट डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस है उसके अंदर क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है और उससे ट्यूमर का खतरा बना रहता है। तो अब हमें ट्रांसजेनिक पादप विकसित करने के लिए, यानी कोशिकाओं को रूपांतरित करने के लिए और फिर ट्रांसजेनिक पादपों को विकसित करने के लिए
इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के टी आई प्लाज्मिड से क्या निकाल करके, उस टी आई प्लाज्मिड को निकाल कर उस या उस टी आई प्लाज्मिड से उन जीनों को निकाल कर और वहां पर वांछित जीन का संयोजन कर उस रूपांतरित टी आई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है प्रोसेस। यहां देखिए कि हमारे पास क्या है, एग्रोबैक्टीरियम है, ठीक है, और यहां पर है एक वांछित डीएनए। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है ट्रांसजेनिक पादप का विकास। क्लियर, तो रूपांतरित होगा तभी तो होगा। तो एग्रोबैक्टीरियम में क्या होता है, टी आई प्लाज्मिड होता है। ठीक है, इस टी आई प्लाज्मिड में ये क्षमता होती है कि ये ट्यूमर रोग उत्पन्न करता है, किसमें, डाइकोट प्लांट में। क्लियर, अब इस टी आई प्लाज्मिड को हमें वेक्टर के रूप में काम में लेना है, तो इस टी आई प्लाज्मिड के जो जीन है, जो कि रोग उत्पन्न करने वाले जीन है, ट्यूमर रोग, टी आई प्लाज्मिड से रोग या ट्यूमर उत्पन्न करने वाले जीन को हटाया जाता है। ठीक है, उस सूत्र को हटा देते हैं जहां पर ये जीन मौजूद होती है। ठीक है, फिर हमारे पास रिफ्रेश आ गया टी आई प्लाज्मिड। क्लियर, अब यहां से वांछित डीएनए है, इस वांछित डीएनए को इस टी आई प्लाज्मिड के साथ क्या किया जाएगा, समाकलन किया जाएगा, इसका समाकलन हो जाता है इसके साथ। फिर इसको एग्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इस टी आई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर इस एग्रोबैक्टीरियम में ट्रांसफर के बाद ये एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है, प्राकृतिक रूप से होस्ट कोशिका में प्रवेश करता है। ठीक है, ये होस्ट कोशिका में प्रवेश कर गया, यानी उस पादप की कोशिका में प्रवेश कर गया जिससे हमें आगे ट्रांसजेनिक पादप बनाने हैं। फिर इस होस्ट कोशिका, ये जो होस्ट कोशिका है इसके अंदर रूपांतरण होता है और फिर बन जाती है रूपांतरित होस्ट सेल। ठीक है, इससे फिर आगे क्या बनेगा, नया प्लांटलेट या ट्रांसजेनिक पादप विकसित हो जाता है। क्लियर, तो अब हमने यहां क्या देखा कि इस रूपांतरित कोशिका में कौन आ चुका है, ये वांछित डीएनए आ चुका है, यानी जिस लक्षण के लिए या जिस पर्पज के लिए हमें वांछित डीएनए को उस कोशिका में लेकर के जाना है वो यहां पर पूरा उरा है, यानी रूपांतरित कोशिका हमें प्राप्त करनी है तो ये वांछित डीएनए से ही हो सकती है। तो ये वांछित डीएनए देखिए इस तरह से यहां आ चुका है इस टी आई प्लाज्मिड के साथ। फिर इस टी आई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम में ट्रांसफर करते हैं, फिर ये एग्रोबैक्टीरियम होस्ट कोशिका में प्रवेश करता है और फिर इसका क्या हो जाता है, संवर्धन करवाया जाता है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो टी आई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम में ट्रांसफर हो चुका है या स्थापित हो चुका है, अब इस वांछित जीन युक्त, क्योंकि वांछित जीन इधर से आ गया ना, तो अब इस वांछित जीन युक्त एग्रोबैक्टीरियम का उस पादप या उत्तकों के साथ, पादप या उत्तक, ठीक है, के साथ क्या करवाया जाता है, संवर्धन करवाया जाता है। तो यहां पर ये संवर्धन हो रहा है, ठीक है, यहां पर ये क्या किया जाएगा, संवर्धन करवाया जाएगा जिससे इस वांछित जीन का किसमें ट्रांसफर हो जाता है, इस पादप या उत्तक में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो टमाटर में, पिटूनिया में, गुलाब में, तंबाकू में काम में ली जाती है। ठीक है, अब देखिए जो टमाटर, तंबाकू, पिटूनिया और गुलाब, इनकी जो पत्तियां होती हैं इनका, इनकी कोशिकाओं का प्रयोग करते हैं, किसकी कोशिकाओं का प्रयोग करते हैं, टमाटर है, गुलाब है, ठीक है,
इनमें पत्तियों का प्रयोग करते हैं या पत्तियों की कोशिकाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पत्ती की कोशिका को यहां पर होस्ट कोशिका के रूप में काम में लेते हैं, क्लियर। फिर इसका संवर्धन हो जाता है। संवर्धन के लिए हम पत्तियों का प्रयोग क्यों करते हैं, पत्तियों की कोशिकाओं का प्रयोग क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो पत्तियों के कटे हुए वलय, जिसे हम टीएस कहते हैं, तो पत्तियों के कटे हुए वलय की सेल्स, कौन सी कोशिकाएं, या वलयों द्वारा उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? एसिटोसिरोगोन का उत्पादन होता है, ठीक है। किसका उत्पादन होता है? एसिटोसिरोगोन का होता है, क्लियर। उत्पादन होता है पत्तियों के कटे हुए वलयों द्वारा एसिटोसिरोगोन का उत्पादन होता है। और ये एसिटोसिरोगोन करता क्या है? ये जो टी आई प्लाज्मिड यानी कि ये वाला, ये जो टी आई प्लाज्मिड है, तो ये एसिटोसिरोगोन क्या करता है? टी आई प्लाज्मिड के ओपिन्स को सक्रिय करता है, ठीक है। किसको सक्रिय करता है? ये ओपिन्स को सक्रिय करता है। अब ये ओपिन्स को सक्रिय करेगा तभी तो ओक्टापाइन या नोपालाइन या फिर एग्रोपाइन या मेनोपाइन का निर्माण होता है, जो कि जाति पर निर्भर करता है। अगर हमने जाति ली है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस, तो फिर बनता है ओक्टापाइन नोपालाइन, और अगर जाति ली है राइजोजीन्स, तो बनता है एग्रोपाइन या मेनोपाइन, ठीक है। अब देखिए आगे, वांछित डीएनए युक्त टी आई प्लाज्मिड अनेक कोशिकाओं में, यानी यहां पर ये वांछित डीएनए युक्त टी आई प्लाज्मिड अनेक कोशिकाओं पर जब संवर्धन होगा तो अनेक कोशिकाओं में ये प्रवेश करता है, उनके संजीव पादप संजीव के साथ समाकलित हो जाता है, और 2-3 दिन के संवर्धन के बाद, यानी ये संवर्धन प्रक्रिया 2-3 दिन चलती है, और 2-3 दिन के संवर्धन के बाद रूपांतरित पादप कोशिकाओं में, यानी कि यहाँ पर रूपांतरित पादप कोशिकाओं को उपयुक्त संवर्धन माध्यम पर फिर संवर्धन करवाया जाता है, जिससे रूपांतरित पादप कोशिकाओं का चयन या संवर्धन हो जाता है। तो जीन ट्रांसफर की इस तकनीक का प्रयोग डाइकोट प्लांट के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है, कौन से पादपों के लिए किया जाता है? डाइकोट प्लांट के लिए, जो द्विबीजपत्री पादप हैं उनके लिए इस प्रकार का प्रोसेस हम करते हैं। तो ये है वेक्टर के साथ जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो टी डीएनए में वांछित और उपयोगी जीनों का समावेश कर अनेक पादपों में इस तरह से लाभदायक लक्षणों को क्या किया जाएगा? विकसित किया जाता है। जैसे हर्बिसाइड्स जो शाकनाशी होते हैं और रोगाणुओं और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधकता का विकास, इसी तरह से पोषक मान में वृद्धि की जाती है, जैसे गोल्डन राइस है और विटामिन ए की पूर्ति उसमें की जाती है इसी तरह से, और एंटू फिक्सेशन की योग्यता में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखना है आपको कि एग्रोबैक्टीरियम नेचुरली क्या करता है? मोनोकोट को संक्रमित नहीं करता है, परंतु 1994 में जापानी वैज्ञानिक ने, जापान का एक वैज्ञानिक था जिसने चावल के पौधे में टी आई प्लाज्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन प्रेरित करवाने में सफलता हासिल कर ली थी। वैसे तो मोनोकोट में एग्रोबैक्टीरियम क्या नहीं करता है? संक्रमण नहीं करता है, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे भाग की ओर, और वो है वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। पहला हमने वेक्टर के साथ जो है पढ़ा है, किसका? एग्रोबैक्टीरियम का। और दूसरा आता है इसमें वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है।
तो वेक्टर के रूप में वायरस को भी काम में लिया जाता है। तो डीएनए और आरएनए वायरस उत्तक वाहकों का उत्तम वाहकों का काम करते हैं। तो डीएनए संजीन वाले हैं जिनमें डीएनए होता है, ठीक है, जैसे कोलिमो वायरस है, जिमिनी वायरस है, कोलिमो वायरस और जिमिनी वायरस इनके द्वारा सर्वाधिक जीन ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है, वही प्रक्रिया है, बस एग्रोबैक्टीरियम नहीं है, अब हमारे पास क्या है, वायरस है। तो वायरस के संजीन के साथ क्या जोड़ा जाएगा, वांछित जीन जोड़ा जाएगा और फिर वो आगे नई कोशिका में जाएगा। इसी तरह से रेट्रोवायरस, लेंटीवायरस, इनका भी प्रयोग करते हैं और डिसआर्म्ड किया जाता है। पहले इन वायरस को क्या किया जाएगा, डिसआर्म्ड किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये वायरस क्या करते हैं, वहाँ रोग उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं। तो पहले इनको अरोगजनक बनाया जाएगा, जैसे रेट्रोवायरस उसको डिसआर्म्ड करके जंतु उत्तकों में या जंतु कोशिकाओं में जीन ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, रेट्रोवायरस में, क्लियर। तो तीसरा जो भाग आता है इसमें, वो आता है इसके अंदर इन प्लांटा टेक्निक। तीसरा जो भाग है इन प्लांटा टेक्निक, इसके अंदर क्या होता है, इन प्लांटा टेक्निक में देखिए, इस तकनीक का प्रयोग फेल्जर्ड मैन और मार्कस ने 1987 में किया था। फेल्जर्ड मैन व मार्कस ने 1987 में किया था, ठीक है। इन्होंने आनुवांशिक रूप से रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम को रेबिडो जो है अरेबिडोप्सिस के बीजों के साथ रखा था। इन्होंने क्या किया कि जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम है, यानी उसमें से उस टीआई प्लाज्मिड से ये क्षमता हटा ली जाती है कि वो रोग उत्पन्न करता है, तो ये रूपांतरित क्या है, एग्रोबैक्टीरियम है। तो इसके साथ इसको रखा अरेबिडोप्सिस के बीजों को के साथ अरेबिडोप्सिस के बीजों को रखा, ठीक है, इन बीजों को इनके साथ रखा गया। तो इन बीजों को बाद में उगाकर नए पादप विकसित किए गए। इसी तरह से क्या होता है, विकसित पादपों से प्राप्त इन बीजों को फिर प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर भी अंकुरित करवाया गया। इसी तरह से अंकुरित बीजों के विभेदन के बाद भ्रूण के शीर्ष विभाजोतक को एग्रोबैक्टीरियम से संक्रमित करवाया गया और फिर रूपांतरित पादप विकसित किए जाते हैं। तो जीन ट्रांसफर की इस विधि में वांछित जीन सीधे ही पादप में प्रवेशित करवाए जाते हैं, इसलिए इसे इन प्लांटा टेक्निक कहते हैं, यानी कि सीधे ही क्या किया जाएगा, इनको प्लांट में डाला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में किसी भी वेक्टर की सहायता नहीं ली जाती है, सीधा ही जीन ट्रांसफर किया जाता है पादप कोशिकाओं में।